हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीआर सविन कुमार के वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे लाइव ब्रेक्स टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके यूज़ के बारे में, इसके डोज के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, कैसे ये काम करता है, किन रोगों में इसको नहीं लेना चाहिए और क्या इसके वार्निंग होते हैं। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लाइव ब्रेक्स टैबलेट जो होती है, यह एक डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवा होती है, जिसका यूज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण में किया जाता है। यह एक NRX ड्रग होती है, यानी नार्कोटिक कैटेगरी की ड्रग होती है। इसको आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह में ही इसका यूज करना चाहिए। यह एक एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी स्पास्मोटिक और साथ में बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग होती है, जो पेट में दर्द, ऐंठन से राहत देने के लिए मांसपेशियों में अचानक होने वाली ऐंठन को रोकता है। यह पेट की परेशानी को कम करने के लिए आसानी से गैस पास करने में मदद करता है। बात करें लाइब्रेक्स टैबलेट के कुछ और पॉपुलर ब्रांड के बारे में, जो आपको इसी कंपोजिशन में दूसरे नाम से मिल जाएंगे, जैसे स्पासरील टैबलेट, लिब्रा टेक्स टैबलेट, लिब नाम टैबलेट, क्रोमाइट टैबलेट। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड होते हैं जो आपको इसी कंपोजिशन में दूसरे नाम से मार्केट में मिल जाते हैं। बात करें लाइब्रेक्स टैबलेट की प्राइस के बारे में, तो यह आपको मार्केट में 152 रुपये की 20 टैबलेट की एक स्ट्रिप मिल जाएंगी। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो लाइब्रेक्स टैबलेट की जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस कंपनी का नाम है एबॉट इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो इस कंपनी द्वारा इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। इसमें दो दवाएं मिलाई जाती हैं, पहला होता है क्लोरडाइजीपॉक्साइड, दूसरा होता है क्लीडीनियम। तो यह आपको पर टैबलेट में क्लोरडाइजीपॉक्साइड जो होता है 5 mg, क्लीडीनियम जो होता है 2.5 mg आपको पर टैबलेट में मिला हुआ रहता है। बात करें इसके यूज के बारे में और इसके बेनिफिट के बारे में, तो इसका इस्तेमाल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे ब्लीडिंग, बार बार होने वाले दस्त, गैस बनना, ऐंठन, पेट में दर्द और गैस, तो इन सब रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं लाइब्रेक्स टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नींद आना, मिचली, कब्ज या दस्त बिगड़ना, चक्कर आना, धुंधली नज़र, मुँह में सूखापन, पेशाब करने में कठिनाई, मस्तिष्क और शारीरिक गतिविधियों में तालमेल में दिक्कत, डिप्रेशन। तो ये कुछ सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में और इसको कैसे लेना चाहिए। तो इस दवा की खुराक और जो टाइमिंग होती है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस दवा को आप अपने, अगर 6 साल के नीचे बच्चे हैं तो उनको आप ना दें, 6 साल के ऊपर हैं तो आप ये दवा दे सकते हैं। अगर एडल्ट हैं तो उनको आप एक टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। इस टैबलेट को आप खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक फिक्स टाइम पे लेना है इस टैबलेट को। एक बात आपको बता दूं कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस दवा का यूज करें। अब बात करते हैं लिब्रेक्स टैबलेट जो होता है कैसे काम करता है। तो ये दो दवाओं का कंपोजिशन होता है, क्लोरडाइजीपॉक्साइड और क्लीडीनियम। क्लोरडाइजीपॉक्साइड जो होता है, यह एक बेंजोडाइजेपिन होता है। यह क्या करता है, जो गाबा होती है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाकर काम करता है, जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं, जो नर्वस सेल होते हैं, उसकी असामान्य और अत्यधिक गतिविधियों को दबाने वाले जो रासायनिक मैसेंजर यानी केमिकल मैसेंजर होते हैं, उनको दबाता है। क्लीडीनियम जो होता है एक एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी स्पास्मोडिक ड्रग होती है, और क्लीडीनियम आपके पेट और आंत की मांसपेशियों को रिलैक्स करके काम करता है। यह मांसपेशियों में अचानक होने वाले स्पास्म यानी संकुचन को रोकता है, जिसके कारण ऐंठन, दर्द, ब्लोटिंग और असुविधा से राहत मिलती है। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी किस रोगों में इस दवा को नहीं लेना चाहिए, जैसे एलर्जी, काला मोतिया, प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट बढ़ना। तो इन सब रोगों में इस दवा को लेने से सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके वार्निंग के बारे में। तो अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो यह टैबलेट आपके लिए सुरक्षित नहीं है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो यह टैबलेट उनके लिए असुरक्षित है। अगर कोई महिला स्तनपान करा रही है तो यह टैबलेट उनके लिए असुरक्षित माना जाता है। अगर आप इस टैबलेट को ले रही हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस दवा को यूज करें। अगर आपको लिवर और किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब बात करते हैं इसके कुछ खास टिप्स के बारे में। लिब्रेक्स टैबलेट जो होता है, यह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। यदि आपका कोई ऑपरेशन या दांत का इलाज होने वाला है तो इलाज करने वाले डॉक्टर को बताएं कि आप लिब्रेक्स टैबलेट ले रहे हैं। यदि आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है, आपको ग्लूकोमा या पेशाब करने में परेशानी है तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं। अगर आप 65 या उससे अधिक उम्र के हैं तो लाइब्रेक्स टैबलेट का सावधानी से इस्तेमाल करें, इससे आपको कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू हमारा लाइब्रेक्स टैबलेट के बारे में।
तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।